सुप्रभात छात्र छात्राश्च अभिनव अलिखत। ये लंगलाकार है, लंगलाकार कहते हैं भूतकाल को। यह जो है कक्षा सप्तम के लिए है, क्लास सेवन के लिए है। यह लेसन तीन है, पाठ तीन है, पेज नंबर दस है, पेज नंबर दस है। अभिनव अलिखत लंगलाकार भूतकाल सह अगक्षत। वह जाता था, अर्पिता कविता च अगच्छताम। अर्पिता कविता भी जाती थी। ते अत्र अक्रीडताम, वे दोनों यहाँ खेलती थी। नंदिता अपि तत्र अगच्छत, नंदिता भी वहाँ गई थी। सा मिलित्वा आखेलन, और वह तीनों मिलके वहाँ खेल रही थी। अहम राघव जल शोधकस्य जलम अपिवम। मैं राघव जल शोधकस्य, जल को शोध करके देख के जल को पीता था। मम भगिन्या प्रियाया हस्ते एक कर दीप अस्ति। मेरी बहन के हाथ में, प्रिया के हाथ में एक दीप था, कर दीप अस्ति। सा अति प्रकाश अकरोत, वह बहुत प्रकाश करता था। प्रकाश मतलब होता है इजोत। अहम त्वया सह दूरदर्शन अपश्यम, मैं तुम्हारे साथ टीवी देखता था, टेलीविजन देखता था। दूरदर्शन मतलब होता है टेलीविजन। अभिनव अंक कन्या अलिखत, अभिनव अंक कन्या, अंक मतलब होता है संख्या, और कन्या मतलब लड़की। अलिखत गौरव लेखन्या अलिखत, और गौरव लेख लिखता था। अद्य तयो विद्यालय विराम अस्ति, आज वे दोनों विद्यालय में विराम करेगी। तब प्रातः उत्थाय दंत कुर्चकया, और वह सुबह में उठ के मुँह को धोएगी। दंत फेनेन सह दंत धावनम अकूतम, और दंत देवेन से मतलब कॉलगेट से वह मुँह को धोएगी। तब स्नान गृहम फेनकम मिलित्वा स्नानम अकुर्वताम, और फिर स्नान घर में जाके स्नान करेगी। हय मम विद्यालय धावन प्रतियोगिता अभवत, और कल मेरे विद्यालय में धावन प्रतियोगिता था। सर्वे छात्र छात्रा प्रतियोगितायाम अधावन, और सभी छात्र छात्रा प्रतियोगिता में दौड़े थे। स्नेहा प्रथमम एवं माला द्वितीयम स्थानम अविंदतम, स्नेहा जो था वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त की, और माला द्वितीय पुरस्कार प्राप्त की। मंजुला कमोलिका भावना च अहसन, मंजुला कमोलिका भावना ये तीनों हंस रही थी। किम तुम हंस, क्या तुम भी हंसोगे। न अहम न अहसम, मैं नहीं हंसूंगा। युवाम कथम अहसतम, तुम दोनों क्यों हंसते हो। नाना आवाम न हंसाव, नहीं नहीं हम दोनों नहीं हंसते हैं। राघव विपिन अंकुर च उद्यानम अगच्छन, राघव विपिन अंकुर ये तीनों विद्यालय नहीं उद्यान बगीचा गई थी। ते हर्ष पूर्वकम परस्परम वार्ताम अकुर्वम, वे दोनों हंसकर आपस में बातचीत करते थे। ते विनोदेन अहसन, वह हंस के एक दूसरे से मिल के हंस रही थी। उपवने बहवह जना भ्रमणाय अगच्छन, अब बगीचे में बहुत लोग घूमने के लिए गए थे। ते उद्यानस्य शोभा दृष्ट्वा हिष्यन्ति, और उद्यान की शोभा देखकर, बगीचा की शोभा देखकर सभी लोग हंस रहे थे, खुश थे, प्रसन्न थे। ते अतीव प्रसन्ना अवन, और वे लोग आपस में प्रसन्न थे। अब क्या करना है, इसको कॉपी पे लिखना है। कॉपी पर लिख के इस वाक्य प्रयोग लिखा है, इसको एक वचन है, ये द्वि वचन है, ये बहुवचन है। एक वचन कैसे बना, सह पुस्तकम अपठत, करता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में आ गया। लंग लकार का ये वाक्य है, लंग लकार मतलब भूतकाल का ये वाक्य है। सह पुस्तकम अपठत तत्व पुस्तकम अपठतम, ते पुस्तकम अपठन, ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। नरह अगच्छत नरव अगच्छताम, नराह अगच्छन, बालिका पाठम अस्मरत, बालिके पाठम अस्मरताम, बालिका पाठम अस्मरण। इसी तरह हमको पूरा पढ़ना है, और उसके बाद जहाँ पर दिक्कत होगा आप वीडियो में कमेंट करके आप हमको बताइए, हम आपको आंसर बताएंगे। उसके बाद इस धातव्यम को कॉपी पर लिखना है, और शब्दार्थ को कॉपी पर लिख के इसको याद करना है। इसका अभ्यास हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।